राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी लैशेस और मिरर वर्क से थाली पोश बनाना, जिससे कि इस तरह का हम थाली पोश बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें बहुत ही आसानी से हम ये थाली पोश बना सकते हैं और सिर्फ लैशेस और मिरर से बना सकते हैं। इस पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और जब देखने में भी बहुत सुंदर है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इस तरह का थाली पोश किस तरह बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर डेकोरेशन है इसकी। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे थाली पोश, जो हमारे लिए काफ़ी ही यूज़फुल है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से एक राउंड शेप कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने राउंड शेप कट कर लिया। ये हम प्लेट या कुछ भी रखकर इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो राउंड शेप कट किया है, अब हम इसकी डायमीटर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका डायमीटर है 18 और इधर से भी देखिए फ्रेंड्स 18। हमने ये डायमीटर लिया है 18 का। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, हमने एक ये गोल राउंड कप कट किया है और हमने एक अस्तर का कपड़ा कट किया। फ्रेंड्स दो कपड़े कट किया हमने। फ्रेंड्स देखिए, हमारा 18 मीटर डायमीटर। अब हम इसको देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैक साइड करके, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बैक साइड करके अब हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे और इतना सा पार्ट देखिए फ्रेंड्स छोड़ देंगे, जिससे कि हम इस पार्ट को सीधा कर सकें। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टिच लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर साइड से स्टिच लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से स्टिच लगा दिया है। एक पार्ट मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा था, देखिए फ्रेंड्स इतना सा पार्ट मैंने खुला छोड़ा। अब हम इस पार्ट को सीधा करेंगे, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आइए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये सीधा कर दिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि यह कपड़ा बैठ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब स्टिच लगा दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से अब इसके ऊपर स्टिच लगा दिया है। फ्रेंड्स अब हम देखिए, जो हमारा डायमीटर 18 डायमीटर है, तो अब हम दो दो इंचेस पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो दो पे निशान लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो दो इंचेस पे ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने सीधी ड्रॉ की थी, अब हम इस तरह से टेढ़ी लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम उसी तरह से निशान लगाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने निशान लगा दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी लाइनिंग ड्रॉ हो गई है। अब हम इस पे लैश लगा के इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह की पतली लैश लेंगे, जिससे कि हम ये डेकोरेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लाइनिंग के ऊपर सीधा स्ट्रेट रख कर इस पर स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें ये सारी लाइनिंग पे लैश लगा के अटैच करना है। ये फ्रेंड्स, मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लाइन है, इस पर हम रखेंगे लैश को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम धीरे धीरे इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें सारी लाइनिंग पर इस तरह की लैश अटैच कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जगह पे लाइनिंग पे लैश अटैच कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मोटी वाली लैश लेंगे, इसे हम राउंड के चारों तरफ लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, राउंड शेप में हम इसे थाली पोश के चारों तरफ लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये सारी लैश लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थाली पोश बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा थाली पोश।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस अपने थाली पोश को फोल्ड करेंगे और फिर हम टू फोल्ड करेंगे। अब हम इसके कोने पे निशान लगा लेंगे क्योंकि हम इस पे डेकोरेशन करेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच वाला कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें निशान पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये निशान यहाँ पर है। अब हम इस पे डेकोरेट करेंगे। हम फेविक ग्लू लेंगे, हम इस तरह का मिरर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मिरर हम बीच में लगाएंगे, फेविक ग्लू से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये चिपका दिया है। अब हम इस तरह के छोटे छोटे मिरर लेंगे, इसे भी हम साइड में चिपका देंगे चारों तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस बड़े मिरर के चारों तरफ से इसको चिपका देंगे छोटे मिरर्स को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिरर चिपका दिए हैं। अब इस तरह के पैचेस लेंगे, इस पैचेस को भी हम चारों तरफ से लगा देंगे। हम फेविक ग्लू से इसको चिपकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चारों कोनों पर ये पैचेस लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चारों पैचेस चिपकाएंगे, जिससे कि हमारी इस थाली पोश को ही थोड़ी सी ग्रेस भी आ जाए, उसको थोड़ी सी डेकोरेशन भी मिल जाए। हमें ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हमारा थाली पोश पहले से ही हैवी बन गया है। हमें बस थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है जिसकी सहायता से हमारा थाली पोश और भी बहुत ही सुंदर लगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सिंपल सोबर डेकोरेशन की है हमने। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा थाली पोश बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, इन मिरर से और लैशेस से हम अपना थाली पोश कितना सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है हमारा इस तरह का थाली पोश, और ये बनाना भी बहुत आसान है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये थाली पोश अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। राधे राधे।